मेहरबानी पांचवे हजरात को हल्का बनाने की जगह दें, मौला का वास्ता है, बड़ा मेहरबानी। पांचवी को जगह दें, जितने भी नाफी मेरे भाई खड़े हुए इनसे दरख्वास्त है कि चार चार कदम आगे बढ़े रामे वाला। यार चार चार कदम पीछे हो जाओ नामी मौला। ए उतरना नहीं है, ठीक है ना नामे मौला, नामे मौला। सारे पीछे क्या थल्ले बड़े में। और ड्यूटी का आगाज करने के लिए बिलखसूस जहाँ जहाँ भी कुछ सादात हैं, सैयद हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, उनसे हाथ जोड़कर इजाजत चाहूंगा ड्यूटी के आगाज की। और जितने भी मातमी हजरात तशरीफ फरमा है, इजाजत है ड्यूटी का आगाज शुरू किया जाए। पीछे वाले मातमियों से इजाजत है, दाएं जानिब से इजाजत है मुझे ड्यूटी शुरू करूँ बाप सैयदा के दर की। चले ड्यूटी कुछ इस तरह से करने के नारा मैं लगाऊंगा, जाना काम तमाम मवालियों ने हाजिरी करवाया, कुछ इस तरह से देंगे कि नारा कम अज कम इतना बुलंद होना चाहिए। तवज्जो नामी मौला, तवज्जो मेरी तरफ नामी मौला, नारा कम अज कम इतना बुलंद करिएगा कि यहाँ से आवाज लाहौर बीबी पाक दामन तक जाए, बीबी पाक दामन से सेवन शरीफ जाए, सेवन से दुनिया में हर परचम अब्बास पे जाए, परचम अब्बास से मशद, मशद से कौम, कौम से सामरा, सामरा से काजमैन, काजमैन से करबला, करबला से नजफ, नजफ से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से जाकर वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर टकराए, अर्श वाले नीचे देखे उन्हें हुसैनी नजर आए। अब जिस जिसके कलेजे पे मोहर मौला अब्बास की इश्क की है, उसे मौला अब्बास के ही जहां जलाल की कसम है, दोनों हाथों वाले उठाकर, दोनों हाथों वाले उठाकर तायद करनी है, नारे का जवाब देना है कलेजे की ताकत का इस्तेमाल करते हुए। जो भी नबी का नौकर है, अली का मलंग है, नबी का उम्मती है, हुसैन का मातमी है, मौला अब्बास का नौकर है ना, कलेजे की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आखिरी मवाली तक हाथ उठाते हुए नाम वाला जो जो भी खुद को मुसलमान समझता है मेरे नारे का जवाब देगा। बाबा जी करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर, शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमा है, इजाजत है बेटा, इजाजत है भाई पढ़ो तो मुझे देखिएगा नामे वाला। शिया सुन्नी भाइयों का बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता तशरीफ फरमा है, और अल्लाह इनके प्यार को, इस अमन को यूं ही कायम और दायम रहे, और हर हर बुरी नजर और बुरी शक्ल से मौला महफूज रखे। शिया सुन्नी भाइयों, हदीस है नबी पाक की, तेरी मेहरबानी भाई, करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर। जो अभी भी नारे की सदा से महरूम है, बाबा आप देखिएगा, आप तायद करिएगा कि वह चुप नहीं रहेगा, जो हलाली होगा। करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर, कि दीन बंद है जैसे दरूद के अंदर। करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर, कि दीन बंद है जैसे दरूद के अंदर। अली के नाम के नारे वही लगाता है, हलाली खून हो जिसके वजूद में। निगाह-ए-मौला तक
यूं ही गरजते बरसते रहो। इजाजत है पढ़े इजाजत में, इसलिए बार बार मांग रहा हूँ ताकि खामोशी हो जाए, जहाँ से आवाज आती है मैं वहां से इजाजत मांगता हूँ। तू सब बोलो ऐसी मोहर इस कलाम पे लगाई। ये हर उस घर में भी चला है जो कलम को देखकर गली का रास्ता ही बदल देता था। उसके घर से भी आवाज आती थी, माला मेरा भी घर तकरार के बगैर महशर ना होगी, महशर ना होगी बारहवीं सरकार के बगैर। मेहदी वहां लगाएंगे अब्बास का अलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। अलम कहबे तलावे का जब
हम शिया सुन्नी भाई आलम को चूमते हैं, आलम को झुकते हैं, आलम का एहतराम करते हैं, ऐसा ही है। शिया से ज्यादा अहले सुन्नत भाई सबीले से जाते हैं। मैं तो देखता हूँ रोड्स पे लगी होती हैं माशाल्लाह से, तो अहले सुन्नत भाई आलम भी सजाते हैं। हम शिया सुन्नी भाई आलम को झुकते हैं, आलम को चूमते हैं, आलम का एहतराम करते हैं, लेकिन कुछ लोग आलम से बहुत डरते हैं। पिछले मोहल्ले वालों, कुछ लोग आलम से डरते हैं। डरने की वजह बताओ, वजह बताओ क्यों डरते हैं? आलम है ना, थरेरा है, डंडा है, शबी है अब्बास, मौला अब्बास के हाथ की शबी है, ऐसा ही है, फिर भी लोग डरते हैं। वजह, डरने की वजह क्या है? आप अभी हैं, आपको बताने चला हूँ। जो लोग आलम को देख कर डरते हैं, शिया सुन्नी भाई झुकते हैं, चूमते हैं, आलम का एहतराम करते हैं, कुछ लोग आलम से डरते हैं, डरने की वजह क्या है? तो बाकी शेर जो रहते हैं इंशाल्लाह फिर कभी सुनाऊंगा किसी जश्न में, आइंदा साल इंशाल्लाह। पढ़ दिया भाई, अब मातुमदारी के लिए मातुम। ये मेरे वाले सुन्नत भाई थे, आपका हुक्म था। या हुसैन 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 या हुसैन
Yeah.
Ali, 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 Ali,
हर गैरतमंद आदमी के लिए ये नोहा है, क्योंकि हम क्या रो सकते हैं उन अहले बैत को या उस बीबी के पर्दे पर जिस बीबी के पर्दे पर 40 साल मौला सज्जाद खून रोता रहा। मौला सज्जाद के खून रोने की वजह करबला नहीं है, हरगिज नहीं है, क्योंकि वो अली का खून है। जंग में क्या रोना, मौला सज्जाद के खून रोने की वजह सिर्फ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बाजारे शान है कि कौन सी बीबियां तफसीरें कुरान की आयतों की उनको बाजारे शान में फिराया गया। इसीलिए तेरा मेरा मौला सज्जाद 40 साल खून के आंसू होता रहा। करबला से शान तलक जो काम सर अंजाम देता रहा, शहनशाह वफा का बेटा है। करबला से शान तलक जो काम सर अंजाम देता रहा वो तमाम आजादारा मजलूम में करबला की आंसुओं की नजर कर रहा हूँ।
पानी जो मिले ये आलमदार का बेटा है के पानी जो मिले जाके सज्जाद जाके सज्जाद जाके सज्जाद की जंजीरे पे जो कभी ये आलमदार का बेटा है कि पानी जो मिले जाके सज्जाद जाके सज्जाद जाके सज्जाद की जंजीरों पे डाला है हुसैन बोले अली करे आग में तलवार ऐ हुसैन बोले अली मौत की बात मौत की बात तेरा सिने इतारा है सगे बाप है पुतु उसकी तारीफ है गई है सगे बाप है पुतु वरना अख्तर हर न अख्तर को कहा कोई कमाता है कभी बल्दे रोल मदीने तो किसे Chicago!
कबर चले गए निके निके चोले मासूम दे एक बहन बड़े दिल रह गई निके निके चोले मासूम दे एक बहन बड़े दिल रह गई तेरे सदके जामा दे हम सब मातमी का अजादारा ने मजलूम करबला का ये पुरसा और बाला की बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए बेखसूस बानियान का ये पुरसा वाला अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए और बानियान के रेस का सेहत में मौला मजीद इजाफा फरमाए एक बहन बड़े दी रह गई नाकर नातमी बेटे अता फरमाए सीरत ज़ैनब पर चलने वाली कली से अता फरमाए जितने भी बीमार है मौला सबको बीमारी कर बड़ा का सबके शिफाए हम हैं वारिस दीन नबी के कातिल को गाते
जितना भी महात्म्यों का हुक्म था मुझे पढ़ने का, जो जो भी आपने पढ़ा मैं पढ़ चुका। अब जो रह गई फरमाइशें बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह आइंदा साल मैं आपकी खिदमत में, मौला ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। मौला आप सबको अपने बिने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और यूं ही ज़िंदगी में मसरूफ रहो, कभी कोई गम ना मिले सिवाय गम-ए-मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो रह गई